राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और ये देख रहे हैं, ये एक गिफ्ट में कुछ इसमें बिस्किट वगैरह आए थे। ये वही है, फाइबर में बना हुआ है, बहुत पतला है, बट मुझे ये फेंकने में बड़ा बुरा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ड्रेनेज सिस्टम बना के इसको पॉट के रूप में उपयोग किया जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या बोते हैं। ये लीजिए गाइस, मैंने इसमें कुछ किचन वेस्ट इकट्ठी कर रखी थी, वो मैंने इसमें डाल दिए इस तरीके से, क्योंकि ये फाइबर का है और हमें खाद की भी ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसमें मिट्टी डालती हूँ, जो कि मिट्टी की ज़रूरत इसमें कम पड़ेगी और हमें इसमें कंपोस्टिंग भी होती रहेगी आराम आराम से। ये लीजिए, तो जब भी मैं पॉट बना रही हूँ आजकल, तो अपना गार्डन या किचन वेस्ट इसमें डाल देती हूँ पॉट में। उससे क्या होता है, मेरे प्लांटर एक तो हल्के रहते हैं, दूसरा स्पेशल खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तीसरा कंपोस्टिंग अंदर ही अंदर होती रहती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है अच्छा चलता है। ये लीजिए, मैंने इसमें ड्रेनेज सिस्टम तो पहले ही बना दिया था और अब मैंने इसमें मिट्टी की कम से कम 1.5-2 इंची की लेयर बना दी है। ये देखिए, और अब हम इसमें चने बोएंगे। तो ये चने देख रहे हैं, मैंने रात में भिगो लिए थे और ये नरम हो चुके हैं। अब इसमें हम ये चने डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो थोड़े घने डालूंगी मैं कि इसमें जो प्लांट है वो थोड़े घने निकल के आए, और घर का जो चने का साग होता है उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है ना। तो जिन लोगों के पास बड़ी जगह नहीं है, बड़े पॉट नहीं है, वो भी इस तरीके से घर में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें उगा सकते हैं, जैसे कि मेथी, चना, पालक, कुछ भी जो आपको पसंद हो। तो ये लीजिए, चने के साग में जितनी जड़ों को ज़रूरत होती है उतनी मेरी यहाँ पर लेयरिंग हो चुकी है, और मैंने इस तरीके से अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी की परत डालूंगी ऊपर से। ये लीजिए, इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी की परत डाल के हम इसमें थोड़ा सा पानी का स्प्रे करेंगे। ज़्यादा मोटी परत नहीं करनी है हमें, हल्की ही करनी है, पर करनी है। और अगर हम चने को भिगो के, जैसे मैंने बताया आपको, तो उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा जल्दी आएगा। ये 3 दिन का काम था जो मैंने एक रात में किया है भिगोकर। अगर हम मिट्टी में इस तरीके से डाल देते तो 3 डेज बाद ही ये रिजल्ट आता, जो फिलहाल अभी हमने इसमें भिगोने के बाद कर दिया है। ये लीजिए, सारी लेयर से हमने चने को दबा दिया है, अब हम इसमें स्प्रे करेंगे। ये इस तरीके से स्प्रे करेंगे हल्के उससे, पानी इस तरीके से दें, मग्घे से पानी ना दें। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इस पे पानी छिड़क सकते हैं हाथों से। ये लीजिए, इसमें एक बार में इतना पानी दे देना है आपने कि जो भी आपने मिट्टी की लेयर इसमें करी है वो मिट्टी की लेयर पूरी भीग जाए और हमारे चनों को अच्छा पानी मिलता रहे। ये लीजिए, जो चने दिखने लगे इनको एक बार में मिट्टी की लेयर। एक हफ्ते बाद का रिज़ल्ट है, मैंने जिस दिन लगाया उसके एक हफ्ते बाद का रिज़ल्ट है, और आप देख सकते हैं ये पूरे ही, जो मैंने ये एक वेस्ट सामान था मेरा जो गिफ्टेड में आया था, ये फाइबर का है, उसमें मैंने इस तरीके से लगाया था चनों को, और चने एक हफ्ते बाद का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल आया है, आप देख सकते हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट एक हफ्ते बाद मैं
चने के साग को हार्वेस्ट कर सकती हूँ। ये देखिए, दिखाते हैं फिर। आज ये पूरा कंप्लीट हो गया है और इसको तकरीबन 20 दिन हुए हैं और 20 दिन में आप देख सकते हैं ये पूरा वेस्ट जो एक मैंने प्रोडक्ट था उसमें मैंने ये चने का साग लगाया था और बहुत अच्छे से पूरा भर चुका है। ये देखिए और कितने हरे हरे इसमें चने का साग हुआ, ये देखिए हो रहा है ना। तो अगर इसको ऊपर से आप इस तरीके से, बताती हूँ मैं आपको, इस तरीके से आप इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो मैं अभी नहीं करूँगी इसको, अभी कम से कम 5 दिन बाद करूँगी मैं। तो इसमें फिर से फुटाव स्टार्ट हो जाएगा, आप 2-3 बार इस तरीके से चने का साग ले सकते हैं। तो आप वेस्ट प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी मिट्टी फिल करके आप सर्दियों में इस तरीके से धनिया, मेथी, पालक और चने का साग बो सकते हैं। और बिल्कुल हल्के फुल्के ये प्लांटर हैं और इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है गाइज। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय करें। बाय फ्रेंड्स।